We have seen how peptide bonds are formed when one transfer RNA basically gives it to the another transfer RNA, and ultimately in ribosomes you can see that peptide bonds are being formed. Let's look at a peptide bond in greater detail. So alpha carboxyl of one amino acid is joined to alpha amino of a second amino acid. How does it join? Basically, it's with the removal of water, and you have to basically clarify one concept here, that it is between the alpha amino and alpha carboxyl. The side chains which we discussed earlier, they don't participate in the peptide bond formation. Now, look at this reaction. So what is happening here is that hydrogen from amino group and hydroxyl from carboxylic group, they combine to form what? Water. And then this is known as a peptide bond. So I have a question. What sort of reaction is this? In which water is released. It is known as a condensation reaction or a dehydration reaction. Now, what are you watching on your screens? It's a very tasty T-bone steak, also known as Florentine steak, which is, by the way, my favorite. But whenever you eat meat, after a while you get thirsty. Why do you get thirsty after eating meat? Just think about it. If what is meat? Meat is composed of proteins. So when the meat is being formed, when a protein is being formed, जब गोश्त बन रहा है तो पानी रिलीज हो रहा है. इसी तरह जब गोश्त ब्रेक डाउन करेगा, when it will break down, then what would happen? It would require water, and that's why basically you feel thirsty after eating meat. Nowadays I see on Pakistani television channels that there is a lot of advice, and most of them is pretty rubbish advice. मैं आपको एक्चुअली एक दो एग्जांपल्स यहाँ पर देता हूँ. मसलन, खाने के बाद कोई भी पानी ना पिए. अगर आपने गोश्त खाया और उसके बाद आप पानी नहीं पिएंगे तो एक्चुअली इसका आपको नुकसान होगा. दूसरी बात, ये काफ़ी सारे साइंटिस्ट भी करते हैं जिन्होंने ये सुन लिया होता है कि स्टमक के अंदर एंजाइम्स होते हैं. कोई शक नहीं, होते हैं, इंटेस्टाइन में भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो जी डाइल्यूट हो जाएंगे. आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है, अगर वो इंक्रीज भी हो जाए ना एंजाइम के डाइल्यूट होने से, क्योंकि नंबर ऑफ एंजाइम्स उतने ही हैं, तो बेसिकली फूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, लेकिन कुछ खानों के बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए. मसलन आपने खरबूजा खाया है, आपने काफ़ी सारे ऐसे फल हैं, फलों के बाद अगर आप खाएं तो उनके अंदर सर्टन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया रहती है, और अगर वहाँ पर अगर आप पानी पिए तो एक्चुअली यस, आपको थोड़ा सा नुकसान होने का चांस होता है. लेकिन अदरवाइज इफ़ यू ईट मीट देन डेफिनेटली ड्रिंक वाटर आफ्टरवर्ड्स. बट डू रिमेंबर कि दिस इज जो गोश्त के ब्रेक होने का प्रोसेस है, उसके अंदर वाटर कंज्यूम होता है. ओके, पेप्टाइड बॉन्ड. इफ यू लुक एट अ पेप्टाइड बॉन्ड देन यू सी दैट देर आर टू स्ट्रक्चर्स. वन इज बिटवीन अल्फा कार्बन एंड नाइट्रोजन, एंड द अदर इज बिटवीन अल्फा कार्बन एंड द अदर कार्बन. एंड यू सी अल्फा टू एन एज साई, वेल एज अ फाई, एंड द अदर वन एज साई. लेकिन ये जो बॉन्ड है ये रिस्ट्रिक्ट करता है, ये बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है. और ये कैसे करता है? ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. वट यू आर वॉचिंग हियर एक्चुअली इज दैट दीज आर थ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, वन टू थ्री. सो दीज आर थ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स विच यू आर वॉचिंग, एंड यू कैन वॉच दिस सी एन बॉन्ड एंड सी सी बॉन्ड. ओके, तो लेट्स सी के इफ आई कैन एक्सप्लेन यू. ओके, इमेजिन जो आप मेरी बाजू देख रहे हैं,
कि ये बॉन्ड है, ठीक है ना। जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहां से लेकर यहां तक, ये इसको मूव नहीं करने देगी। जिस तरह हमारी बॉडी में आपके पास एक बोन को दूसरी बोन किस तरह इकट्ठे रखती है, थ्रू लिगामेंट्स। अगर यहां पर लिगामेंट्स ना हो तो क्या होगा, आई वुड बी एबल टू रोटेट माय आर्म लाइक दिस। लेकिन जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है, जिसकी वजह से मैं इसको बिल्कुल फ्रीली मूव नहीं कर सकता। प्रिटी मच जो पेप्टाइड बैकबोन है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक खास कॉन्फर्मेशन में रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है, ठीक है। एंड दैट गिव्स प्रिटी मच अ डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ अराउंड 40%। ओके, नाउ सिस वर्सेस ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड। एनी बॉन्ड इन दिस वर्ल्ड ट्राइज टू गो टूवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी, एंड ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन एक्चुअली गिव्स इट दैट स्टेबिलिटी, बिकॉज सी एल्फा एटम्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। द सिस कॉन्फॉर्मेशन इन विच सक्सेसिव सी एल्फा एटम्स आर ऑन द सेम पेप्टाइड बॉन्ड इज अराउंड 8 kJ पर मोल लेस स्टेबल देन द ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन। वाई? बिकॉज देर इज स्टेरिक इंटरफेरेंस बिटवीन नेबरिंग साइड चेन्स विच इज ऑलरेडी basically destabilizing it, therefore it is 8 kJ per mole less stable. However, this steric interference is reduced in peptide bonds when we are talking about proline residues. Why proline residues? Because proline residues has an imine group instead of amino group. And if we take a proline residue, around 10% of the proline residues in proteins are followed by a cis peptide bond instead of a transpeptide bond. There are certain interesting things. For example, if we are talking about primary sequence, that is the amino acid sequence, don't underestimate it. Don't think that this is useless, we'll study about it when it comes to the secondary structure or a tertiary structure. Actually, it reveals a lot about many things. For example, evolution. So what we have noticed is that evolution conserves amino acids that are important to its functionality. And how does and what does functionality depend upon? Usually structure. So what you are watching in this particular image is homologs of a particular protein from various species. So these are all from different species. So all these sequences are from different species. And you see that the regions are conserved across the species. So that's what we have seen quite often in nature, that basically a lot of the time sequence is conserved. Another thing which is very important here is that if you find a new protein, aap kahin jungle mein jaate hain aur aapko ek ajeeb sa keeda milta hai, aap us keede ko ghar mein aake मिल्क शेक के जार में डालते हैं, जार को घुमाते हैं, उससे प्रोटीन्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और आपको एक नई प्रोटीन की सीक्वेंस मिल जाती है, आप कहते हो वाओ। तो अगर आपको उसका फंक्शन नहीं पता, ऑब्वियसली अपने आपने उसको बिल्कुल स्टडी नहीं किया, लेकिन व्हेन यू विल कंपेयर इट विद वेरियस डेटाबेसेस देन यू वुड सी इसका कहीं ना कहीं इस किस्म का फंक्शन होगा, क्योंकि इसका सीक्वेंस उस फलां प्रोटीन से मिलता है जिसका फंक्शन ऑलरेडी नोन है। लेकिन यहां पर आई वॉन्ट टू गिव यू वन फूड फॉर थॉट, एंड दैट फूड फॉर थॉट इज एमाइनो एसिड्स आर प्रिटी मच लाइक शुगर्स, दैट दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। अब आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में मोस्टली डी एमाइनो एसिड्स, सॉरी एल एमाइनो एसिड यूज होते हैं, और ग्लूकोज वगैरह कौन से में होते हैं, वो डेक्स्ट्रो में होते हैं। सो दिस इज वट विच यू हैव, all the proteins, all the enzymes are basically composed of L amino acid. Lekin iska ye matlab nahi hai ki jo D amino acid, jo D rotation hai alanine ki, this is not functional at all. This is as functional as the levo. To phir kyun aapke paas D hai aur aapke paas L hai? Hona to ye chahiye tha कि जो नासिर साहब हैं, जो आदिल साहब हैं, जो फरीद साहब हैं, सारे के सारे जो लोग आपके इर्द गिर्द इस वक्त मौजूद हैं, किसी में डी होता, किसी में एल होता, क्या मुजायका था, जबकि दोनों एक ही जैसे फंक्शनल हैं। व्हाई एवोल्यूशन हैज प्रेफर्ड एल ओवर डी?
एक साइंटिस्ट ने बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, उसने सिंथेटिकली सारे के सारे डी अमीनो एसिड्स बनाए और उसने कहा कि आई एम गोइंग टू मेक एन एंजाइम। सो ही मेड एन एंजाइम, जो नेचुरली एक एंजाइम प्रेजेंट था, उसको डी से जब फोल्ड किया तो बेसिकली इट वॉज एज फंक्शनल एज वट वी हैव इन नेचर, स्पेशली इन आर बॉडीज। सो दैट टेल्स अस दैट्स जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। डू वी हैव अ सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन? क्या हम सारे, जिस तरह हम लोगों का एक इस्लाम में बिलीफ है कि हम एक आदम की औलाद हैं, डू वी हैव अ सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजिन? डज इट इंडिकेट दैट? क्योंकि वाई वी ऑल हैव डी अमीनो एसिड? जो लोग किसी और आइलैंड पे इवॉल्व हो रहे हैं या कहीं और इवॉल्व हो रहे हैं, वाई दे डोंट हैव लीवो अमीनो एसिड्स एज वेल? दैट्स अ फूड फॉर थॉट।